हेलो एवरी वन वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल पैथोलॉजी लेक्चर्स बाय तरणी गोस्वामी सो अगेन आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोलाइटिस के बारे में सो so, अगर आज का वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल सो लेट गेट स्टार्ट सो वॉट इज़ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस सो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन कोलाइटिस मतलब कि कोलोन रिलेटेड एंड आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन सो यहाँ पर क्या हो रहा है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोलाइटिस नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस और अब पिक बेल इसको पिक बेल भी कहते हैं स्कॉज बायटा एंटेरोटोक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई सी परफ्यूज टाइप सी सो गाइज इफ़ यू रिमेंबर सो हमने जो प्रीवियसली एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज द कोलेस्ट्रियल कोलेस्टेडियल फूड पॉइजनिंग उसमें आपने पढ़ा था अबाउट द अल्फ़ा एंटेराटोक्सिन के बारे में बट अभी जो आप पढ़ रहे हो एंटेरोकोलाइटिस uh, ये आप पढ़ रहे हो कि ये किससे कॉज होता है बाय द बीटा एंटेरोक्सिन सो आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है जो कि इन डिसीज के बीच में डिफरेंस बनाती हैं सो दिस इज़ कॉज बाय द बीटा एंटेरोक्सिन प्रोड्यूस बाय सी परफ्य टाइप सी हु द कंडीशन अकर स्पेशली इन द अंडर नरिश चिल्ड्रन सडनली इंडर्जन ओवर ईटिंग सच एज द सच एज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड पार्टिसिपेशन इन पिग फेस्टिस बाई पुअर चिल्ड्रन इन न्यू यूनिया एंड हैं नेम पिग बेल तो क्या है कि ये जो डिसीज़ है ये मेनली किन लोगों में होती है जो कि पहली बार अंडर नरिश्ड चिल्ड्रेन होते हैं जिनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला होता है और वो सडनली उनको इंडल्ज कुछ ज़्यादा हो जाते हैं पिग फीस्ट वगैरह खाने में ठीक है सो so, जैसा कि पहले भी रिपोर्टेड किया गया था इन न्यूगिनिया एडल्ट डू नॉट डेवलप द कंडीशन ड्यू टू गुड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स सो एडल्ट में ये कंडीशन नहीं डेवलप होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है बच्चों से इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड पॉक बाय माल नरिश चिल्ड्रेन हु नॉर्मली टेक प्रोटीन डिफिशियंट वेजिटेरियन डाइट कॉजेज एलोब्रेशन ऑफ बीटा एंटीटॉक्सिन तो क्या होता है नहीं ये जो अंडर नरिश्ड बच्चे होते हैं उनको नॉर्मली तो ऐसा खाने खाने की आदत होती नहीं है कि प्रोटीन डेफिशिएंट उनका एक तरीके से फूड होता है वेजिटेरियन डाइट होती है एंड सडनली दे स्टार्ट ईटिंग द पॉक तो उनकी बॉडी के अंदर बीटा एंटरटॉक्सिन बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंड द सिम्टम्स अपेयर विद इन अ फोर्टी एट आवर्स आफ्टर इंजेशन और कॉन्टामिनेटेड मीट सो कॉन्टामिनेटेड मीट के खाने के फोर्टी एट आवर्स के अंदर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं दिस इंक्लूड सीवियर एबडामल पेन पेन पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा डिस्टेंशन वॉमिटिंग पैसेज ऑफ ब्लड ही स्टूल्स माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज रन अ कोर्स सिमिलर टू अदर फॉर्म ऑफ गैस्टेरो एंट्राइटिस सो अगर इस डिसीज़ की माइल्ड फॉर्म है तो जैसा गैस्ट्रो एंटेराटाइटिस होता है वैसा ही रहेगा वाइल्ड फर्मिनेंट पिग वेल में रिजल्ट इन डेथ ऑफ द चाइल्ड बट अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है अगर बहुत ही हाईली कॉन्टामिनेटेड पॉखा है तो उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप यू लाइक इफ लाइक देन प्लीज़ इट लाइक बटन शेयर सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल ऑल्सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर